पाकिस्तान में, जिसने एक बड़ा एक हंगामा बर्पा कर दिया है। कुलभूषण को एनआरओ दिया जा रहा है, उन्होंने ताकि उसको निकलने का मौका मिले, और आप भारत की वजह से ही कर रहे हैं, आप भारत से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। भारत के वकील ने वहां अगर आपके वकील को चित कर दिया तो उसमें कौम का वकार का सौदा तो नहीं किया जा सकता। मजबूर होके कुछ ऐसा कानून बनाने की हमने पहल की है कि जैसे कुलभूषण को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सकता है। बात रिलीफ की है, नहीं आपने पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में लिया। आज आपको आलमी, मैं बिल्कुल बिला खौफ और खतर ये बात कह रही हूं कि आज आपको आलमी इदारों का खौफ आ गया। क्यों आलमी इदारों को आप ये नहीं कहते कि वो कश्मीर के इशू पे क्यों सोए हुए हैं, क्यों वो मरे हुए हैं कश्मीर के इशू पे, क्यों वो मरे हुए हैं फलस्तीन के इशू पे, क्यों नहीं वो ह्यूमन राइट्स की आवाज, वो जो बड़े बड़े झंडे, कोई 40-50 बिल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पास करवा चुकी है, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता उनमें बहुत से ऐसे ज़रूरी बिल हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ वो कुलभूषण यादव के बिल जो अप्रूव हुआ है उसके हवाले से, क्योंकि जो अपोजिशन है उसके पास इस वक्त उसके हाथ में एक टूल आ गया है। अब उसको एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसके ऊपर जाहिर है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इसकी वजह आप जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पे तो वैसे आमतौर पर जो भी हुकूमत आती है वो इस तरह के टूल्स यूज़ करती है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया, इंडियन कार्ड बहुत यूज़ किया, और मोदी का जो यार है ये कह के कर लोगों को गद्दार कहा गया, अपोजिशन के ऊपर बहुत से ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए। तो अब क्योंकि कुलभूषण यादव के हवाले से एक बिल पास हो गया है और इस गवर्नमेंट ने करवाया है, इस हुकूमत ने करवाया है, जिसमें अब उस बिल में ये अप्रूव किया गया है कि जो कुलभूषण यादव है जो अपील का हक है वो दिया जाएगा कुलभूषण यादव को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर जब बहुत हंगामा आ रही हुई और अपोजिशन की तरफ से बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया गवर्नमेंट को, उसके बाद पाकिस्तान के अटर्नी जनरल ने इन कैमरा ब्रीफिंग की और पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया कि दरअसल ये जो बिल अप्रूव हुआ है ये कोई ख़ास तौर पर सिर्फ कुलभूषण यादव के लिए नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान में ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है ये बिल अप्रूव हुआ है कि वो उनको ये वाला अब राइट मिलेगा कि वो इस तरीके से अपील में जा सकते हैं। लेकिन ये बताने से तो जाहिर है कि कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा अपोजिशन पर, क्योंकि अपोजिशन ये इस वजह से नहीं कर रही कि क्योंकि ये दिया गया। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ये होना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए कि इस तरह के जो केसेस होते हैं कि जिसमें वियना कन्वेंशन दरमियान में आए, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मामला हो, तो फिर उन मामलों को आपको उसी नज़र से देखना चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पे अमल करना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो। जैसे आपको याद होगा अभिनंदन का जो मामला था, तो उस वक्त भी वियना कन्वेंशन के हवाले से हमें हर सूरत जो है वो वापस करना ही करना था, और वो किया गया, और जो लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि नहीं, रख लें ये तो हमारे हाथ एक ये आ गया वो हो गया, वो दरअसल मेरा ख्याल है कि इग्नोरेंस की वजह से होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम दुनिया के लॉस पर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं देते जो मर्ज़ी कर लें। इसकी भी ऑप्शन में आगे चलकर आपको बताती हूँ कि क्या है। अपोजिशन जो है उसको एक बहुत बड़ा इस वक्त मौका मिला है कि वो गवर्नमेंट को ये बता सके कि देखो तुम दूसरों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो, तुम लोग हमेशा ये करते रहे हो, पिछले 3 सालों में क्या कुछ नहीं किया, तो अब वही काम वही यू टर्न ले लिया गया है। और बल्कि ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि कुलभूषण को एनआरओ दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जिस तरह आप एनआरओ का इल्ज़ाम लगाया करते थे ना दूसरों पे, उसी तरीके से अब आप एनआरओ दे रहे हैं कुलभूषण को ताकि उसको निकलने का मौका मिले, और आप भारत की वजह से ही कर रहे हैं, आप भारत से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, आप जो हैं वो नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। इस हुकूमत को ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और आपको मोहब्बत है भारत से, आपको मोहब्बत है नरेंद्र मोदी से, इसलिए आपने ये बिल अप्रूव करवाया और अब आप जो है उसको एनआरओ दे रहे हैं। एक बिल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने के हवाले से था। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने और उसे पास करवाने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, तनकीद की गई, हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने कुलभूषण को एनआरओ दे दिया है। अब आज वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम ने अपोजिशन की तनकीद का जवाब दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार स्टेट है, पाकिस्तान बिल मंजूर नहीं कराता तो भारत ICJ में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर सकता था, हमने ये बिल लाकर भारत के नापाक अजाइम के जवाब में उनके हाथ काट दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम साहब ने की, उन्होंने कहा कि हमने तो इस बिल को लाकर भारत के हाथ काट दिए, अगर हम ये बिल नहीं लाते तो फिर भारत जा सकता था आलमी अदालत इंसाफ में और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। अमजद अली खान न्याजी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ हैं। जी खोड़ो साहब, क्या फरमाएंगे इस पर? कुलभूषण के बारे में बिल
इस हुकूमत ने आलमी अदालत के प्रेशर पे पास किया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि कैसे उन्होंने भारत के हाथ काटे। पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई गुनाह हुआ तो क्या पाकिस्तानी अदालतें, चाहे वो फौजी अदालतें हों या सिविलियन अदालतें हों, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं या नहीं बांध दिए जाते हैं? पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी ने कोई दहशतगर्दी की है तो क्या उसको सजा देने का हक आलमी इदारे को है या पाकिस्तान की कोर्टों को है? सवाल ये उठते हैं। फरोग नसीब साहब ने बिल्कुल कहा होगा अपनी तरफ से, लेकिन उसके खदोखाल तो कौम को बताया ही नहीं गए कि इस बिल में है क्या और क्यों ला रहे हैं हम। आलमी अदालत ने क्यों कहा ये सारा कुछ? तो आलमी अदालत में तो भारत गया था और भारत के वकील ने वहां, अगर आपके वकील को चित कर दिया तो उसमें कौम का वकार का सौदा तो नहीं किया जा सकता। कौम के वकार का सौदा करने से रोकना चाहिए। अगर हमारा केस कमजोर क्यों था, फिर तो सवाल उठता है कि हमारा केस कमजोर क्यों था, हमारे वकील ने अपनी वकालत का जौहर क्यों नहीं दिखाए और फिर हम अपनी मुंह छुपाकर वापस क्यों आए कि मजबूर होकर कुछ ऐसा कानून बनाने की हमने पहल की है कि जैसे कुलभूषण को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सकता है। बात रिलीफ की है, पाकिस्तान के लोग रिलीफ की बात पे चिढ़ रहे हैं कि जी कुलभूषण को अभी इस बिल से कोई रिलीफ न मिले। ये मसला है, मेरी नज़र में तो ये मसला है। मैंने वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैंने इस तरह से बिल को भी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है क्योंकि हुकूमत ने अखबारों में वो इस तरह से छपाया ही नहीं है। होता तो ये है कि पब्लिक ओपिनियन को असर्ट किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन असर्टेन किया जाती है कि जी हमारे बिल पर पब्लिक क्या कहती है और उसके लिए अखबारों में छपते हैं, छपने चाहिए बिल, ये पब्लिक ओपिनियन को इनवाइट करने के लिए ये छपने चाहिए। ये चोरी छुपे बिल बनाना, चोरी छुपे रात के अंधेरे में बिल बनाना और सुबह को बुलडोज करना, इसको काला कानून कहा जाता है। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि आवाम को कोई खबर ना हो और छोटे मोटे जुमले कह के और आप अपनी जान छुड़ा लो। सही, और खुद साहब कई बिल तो इसमें ऐसे भी हैं जिसके नाम तक आम लोगों को नहीं पता। ये इतनी बड़ी तादाद में 33 बिल्स एक साथ पास कराना, जाहिर अरकान असेंबली ने इन बिल्स को नहीं पढ़ा तो आवाम को तो इन बिल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। रुमिनिया साहब आपका भी जो मौकफ है, आपका मौके भी रुमिनिया साहब पीपल्स पार्टी वाला ही है या नून लीग का कोई मुख्तलिफ एतराज है कुलभूषण वाले मामले पर हुकूमत से? दूसरी बात, जहां तक कुलभूषण वाले बिल की नहीं बल्कि तमाम तर जो बिल्स हैं जो के पार्लियामेंट में लेकर आएंगे वो तो डेफिनेटली जैसे खोड़ो साहब ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मैं उस चीज को सेकंड करती हूं। लेकिन उससे ज्यादा देखिए, आप जो कुलभूषण वाले बिल की बात है, मुझे हैरत है इस बात के ऊपर। मैं ये अपनी जाती राय में ये कह रही हूं कि मैं एक बींग पाकिस्तानी, एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, मतलब अगर मैं कुछ देर के लिए ये कहूं कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एज एन इंडिपेंडेंट सिविल उससे बात करूं, आप मुझे ये बताएं, एक तरफ आप कहते हैं आपने इन कैमरा ब्रीफिंग दी और दूसरी तरफ आप बाहर आके कहते हैं कि हमने तो ये गुफ्तगू की, हमने तो ये पॉइंट भी बताया, तो फिर इन कैमरा क्यों? पाकिस्तान के अवाम को क्यों नहीं आपने इतमाद में लिया? क्यों नहीं आपने पाकिस्तान के लोगों को इतमाद में लिया? आज आपको आलमी, मैं बिल्कुल बिला खौफ व खतर ये बात कह रही हूं कि आज आपको आलमी इदारों का खौफ आ गया। क्यों आलमी इदारों को आप ये नहीं कहते कि वो कश्मीर के इशू पे क्यों सोए हुए हैं, क्यों वो मरे हुए हैं कश्मीर के इशू पे, क्यों वो मरे हुए हैं फलस्तीन के इशू पे, क्यों नहीं वो ह्यूमन राइट्स की आवाज, वो जो बड़े बड़े झंडे उठा के खड़े होते हैं? यहां पर एक अकेला कुलभूषण सब पे कश्मीर से भी ज्यादा अहमियत रखता है। सो जो मैं तो चूंकि उस लीडरशिप से मेरा उस जमात से ताल्लुक है जिन्होंने जब जो हम लोगों ने एटम बम चलाए थे तो बड़े बड़े लोगों का प्रेशर नहीं लिया था, तो हम लोग तो ने, मैं नहीं समझती प्रेशर लेते हैं, लेकिन यहां पर बात मुल्क की सालमियत। सही, एक अकेले कुलभूषण को पाबंदियां लगाई जा रही है, ऐसे तो फिर बहुत कुछ है दूसरी जगहों पे भी जिनको कंसिडर किया। और जब हुकूमत, अगर फॉर अ सेकंड हम ये सोच भी लें कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातों को लॉजिकली करने के लिए किया तो व्हाई डिडंट यू टुक द ऑपोजिशन इन टू द कॉन्फिडेंस? आप बातें बड़ी देखिए, मैं माजरत के साथ यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, और क्योंकि अवाम को भी पता है और ये चीजें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी हुई हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब